नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्यपुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 14, जय हिंद की सेना। चलिए आगे चलते हैं। चित्र पर आधारित गतिविधि है बच्चों। यहाँ जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों को अपने सहपाठियों संग गुनगुनाएंगे। किसने लिखी हैं ये पंक्तियाँ? जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कविता में प्रवेश करते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर लिखी ये पंक्तियाँ हिंदी की सेना के उन युद्ध वीरों को समर्पित हैं जिनके कारण देश पर मर मिटने का जज्बा हर भारतीय में जिंदा रहता है। प्रस्तुत पाठ भारतीय सैनिकों के इस जज्बे को हमारी आंखों के सामने एक दृश्य के रूप में उभार देता है और अनायास ही हमारे मुख से निकल पड़ता है जय हिंद की सेना। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। इस कविता में कवि भारत के स्वतंत्र होने पर कहते हैं कि मेरे वतन के लोगों, आज तुम बहुत जोर जोर से नारे लगाओ, ये हम सब के लिए बहुत शुभ दिन है और आज तुम तिरंगा फहरा लो। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। जब युद्ध होता है तब बहुत से हमारे वीर योद्धा शहीद हो जाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो कवि कहता है कि अपनी आज़ादी का, अपने युद्ध में जीत का जश्न मनाते समय उन सीमा पर जो वीर हैं जिन्होंने अपने प्राण गवा दिए हैं उनको मत भूलो, उन्हें याद कर लो। अपनी इस जीत में उन्हें भी याद रखो क्योंकि वो अपने घर लौट के नहीं आ पाए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो कवि कहते हैं कि मेरे वतन के लोगों, आज इस अवसर पर अपनी आँखों में पानी भर लो और उन्हें याद करो क्योंकि जो शहीद हुए हैं वो हमारे देश के पर कुर्बान हुए हैं, उनकी कुर्बानी को याद करो, उन्हें मत भूलो। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। कवि कहते हैं कि आज हम इस मौके पर उन्हें भूल ना जाएं, इसलिए आपको मैं उनकी कुर्बानी की कहानी सुनाता हूँ और हमें उन्हें याद करना है जो शहीद हो गए हैं और उनकी कुर्बानी को भी भूलना नहीं है, उसे भी हर समय हमें याद रखना है। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब दुश्मन ने हिमालय पर कब्जा करने की कोशिश की, उसे घायल करने की कोशिश की, जिसके कारण हमारे भारतवर्ष की आज़ादी खतरे में पड़ी थी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। तो उस दुश्मन को रोकने के लिए जब तक उनकी सांस में सांस थी तब तक उन्होंने लड़ाई करी, उनसे लड़े और उसके बाद वहाँ लाशों के ढेर बिछ गए। अपनी लाश बिछाते हुए भी ज़रा सा भी उन्होंने अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा। संगीन पे धर कर माथा वो सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इस धरती पर अपना माथा धर के उसे चूम कर वो वहीं सो गए। तो जो शहीद हुए हैं हमें उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखनी चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम अपने देश में अपने घरों में दिवाली मना रहे थे
वो वहाँ सरहदों पर होली खेल रहे थे। होली कैसी? खून की होली, क्योंकि युद्ध चल रहा था। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। जब हम अपने घरों में सुरक्षित तरीके से आनंद प्राप्त करते हुए बैठे थे, तब वो वहाँ सरहदों पर गोलियाँ खा रहे थे। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। कवि कहते हैं वो जवान कितने धन्य थे और कितनी धन्य थी उनकी जवानी। क्यों धन्य थी? क्योंकि वो अपने देश के काम आए, उन्होंने खुद की जान दे दी, शहीद हो गए अपने देश के लिए, अपनी जवानी कुर्बान कर दी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। सरहद पर जितने भी जवान थे, जितने भी युद्ध वीर थे, वो कोई सिख था, कोई जाट, कोई मराठा, कोई गुरखा या कोई मद्रासी, लेकिन जिस समय वो सरहद पर मर रहे थे, लड़ रहे थे, उस समय वो सिर्फ भारतवासी थे। वहाँ कोई जात और पात नहीं थी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। और जो खून उस पर्वत पर गिरा, हिमालय पर्वत पर गिरा, वो खून किसी जाट, मराठा, गुरखा या मद्रासी का नहीं था, वो खून था हिंदुस्तानी का। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, पूरा शरीर उनका खून से लथपथ था, गोलियों से छलनी था, फिर भी उन्होंने बंदूक उठाई। दस दस को एक ने मारा, एक एक युद्धावीर ने दस दस को गिराया था। फिर गिर गए होश गवा के, और उसके बाद वे खुद भी अपने होश खो बैठे और गिर पड़े। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब उनका अंत समय आया तो वो हम भारतवासियों को कह गए कि अब हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम अपने अंतहीन सफ़र पर चल पड़े हैं। आप सभी खुश रहिए। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। उन लोगों की दीवानगी भी कितना थी, उनका अपने देश के लिए अभिमान भी कितना था। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। कहीं हम अपने सुरक्षित देश में रहते हुए उन्हें भूल ना जाएं, इसीलिए ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। क्योंकि आज जो हम सुरक्षित बैठे हैं, वे उन्हीं वीर योद्धाओं की बलिदान की वजह से है। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना। तो कैसा लगा बच्चों आपको अपने योद्धा वीरों के बारे में सुनकर, जो हमारे लिए सरहद पर बैठे हुए गर्मी, सर्दी, बरसात, पाला, जाड़ा सब कुछ झेलते हुए हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं। और यदि कोई दुश्मन उस पर आक्रमण कर दे तो अपनी जान गंवाने के बारे में एक पल भी नहीं सोचते। ये नहीं सोचते कि उनकी जान चली जाएगी, बस कूद पड़ते हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए। अपनी जान की बलि लगाने को भी हमेशा तैयार रहते हैं। इस कविता के कवि हैं कवि प्रदीप। तो चलिए आगे चलते हैं। कठिन शब्द। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं। वतन, शुभ, तिरंगा, प्राण, कुर्बानी, शहीद, आज़ादी, संगीन, बलिदानी, धन्य, गुरखा, मद्रासी, सरहद, हिंदुस्तानी, लथपथ, सफ़र, अभिमानी, सेना। और फिर आगे हैं शब्द अर्थ जो आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। कुर्बानी का अर्थ है त्याग, सफ़र का अर्थ है यात्रा, सरहद सीमा,
अभिमानी गौरव का अभिमान, लतपत सना हुआ, संगीन बंदूक के आगे लगने वाला एक नुकीला हथियार, काया शरीर। बताओ क्या पढ़ा? सैनिकों के त्याग में उनके परिवार के सदस्यों का त्याग भी जुड़ा होता है। कैसे? अगर सैनिक सरहद पर जाते हैं तो उनके परिवार वाले भी उनसे अलग रहते हैं, उन्हें भेजते हैं वो। हमेशा उनके परिवार वालों को यह डर सताता रहता है कि सैनिक सुरक्षित रहें, लेकिन अपने देश के गौरव और उसकी सुरक्षा के बारे में सोचकर वे अपने प्यारों को सरहद पर लड़ने के लिए भेजते हैं। तो एक सैनिक के त्याग में उसके परिवार के सदस्यों का त्याग भी जुड़ा होता है। सीमा पर तैनात सैनिकों को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा? सीमा पर तैनात सैनिकों को हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है कि कहीं दुश्मन देश हमारे देश पर आक्रमण ना कर दे। हर तरह का मौसम, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, पाला, बरसात आदि झेलते हुए उन्हें देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहना पड़ता है। चाहे दिवाली हो या होली हो, वह हमेशा हर चीज़ को भूलकर सदैव अपनी मातृभूमि की सेवा में लगे रहते हैं। युद्ध मानव जाति के लिए अभिशाप है, अपने शब्दों में इस कथन की पुष्टि करो। युद्ध मानव जाति के लिए अभिशाप है। क्यों है अभिशाप बच्चों? क्योंकि युद्ध से किसी को भी लाभ नहीं पहुंचता है, हर तरफ जान और माल की हानि होती है। युद्ध से परस्पर संबंध तो बिगड़ते ही हैं, पर इसके साथ साथ अनेक प्रिय अपने परिजनों से भी बिछड़ जाते हैं। हमारे जो योद्धा वीर शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार से पूछ के देखिए कि वह किस प्रकार के दर्द को महसूस करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि युद्ध मानव जाति के लिए अभिशाप है। कवि ने भारतीय सैनिकों की वीरता का चित्रण किस प्रकार किया है? अपने शब्दों में लिखो। बच्चों, ये है आज का आपका गृह कार्य। इसे आप करेंगे गृह कार्य में, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। जो लौट के घर ना आए का क्या अभिप्राय है? शहीद हो गए। अमर बलिदानी किन्हें कहा गया है? शहीदों को। हिमालय हमारे देश की किस सीमा पर स्थित है? पूर्वी। अपने अंतिम समय में सैनिकों ने देशवासियों से क्या कहा? खुश रहना। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करो। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। इस पंक्ति का आशय है कि जब घायल हुआ हिमालय, मतलब कि जब हिमालय की चोटी पर दुश्मनों ने कब्जा करने की कोशिश की और हमारे देश की आज़ादी खतरे में पड़ी, तब तब सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। सरहद पर जितने भी वीरों ने वीरगति को प्राप्त किया, वे सब भारतवासी थे। कोई भी मद्रासी, गुरखा, सिख, पंजाबी, हिंदू आदि नहीं था, वे सब भारतवासी थे। अर्थात वो सब एक थे, वो हिंदुस्तानी थे और वो अपने भारत के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर रहे थे। गीत की पंक्तियों को पूरा करो। ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कवि ने शहीदों को अमर क्यों कहा है? कवि ने शहीदों को अमर इसलिए कहा है कि हमारा देश और हमारे देश का इतिहास कभी भी
उनकी कुर्बानी को भूल नहीं सकता। वे सदा हम सब भारतवासियों के हृदय में जीवित रहेंगे, इसीलिए वे अमर हैं। हमें शहीदों की कुर्बानी क्यों याद करनी चाहिए? जिस समय हम अपनी सुरक्षा और अपने देश के व्यवस्था का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसे प्राप्त करने के लिए सरहद पर बैठे ना जाने कितने वीर योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी है। हमें उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या न्यौछावर किया है। छात्र सैनिकों के संघर्षपूर्ण जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं? छात्र सैनिकों के संघर्षपूर्ण जीवन से अनुशासन, कठोरता और अपने देश प्रेम की प्रेरणा ले सकते हैं। वे यह सीख सकते हैं कि कैसे हम अपनी भारत माता को किसी के भी हाथों में ना जाने दें और उसके लिए लड़ने मरने को भी हमेशा तैयार रहें और अपने देश का गौरव बना कर रखें। भारत का नागरिक पहले भारतवासी है। कवि ने यह संदेश किस प्रकार दिया है? कवि ने कहा है कि जिस समय वो सरहद पर लड़ रहे थे, हमारे वीर योद्धा सरहद पर लड़ रहे थे, उस समय उनमें से कोई मराठा, गोरखा या मद्रासी नहीं था। वे सब भारतवासी थे। जो खून सरहद पर गिरा था, वह खून किसी जात या पात के बंधनों में नहीं था, उन सब से मुक्त था। वह खून सिर्फ एक हिंदुस्तानी का खून था। और इसी तरह कवि ने यह संदेश दिया है कि भारत का नागरिक सबसे पहले भारतवासी है। यदि भारत पर कोई संकट आए तो वे सब जात पात भूलकर एक हो जाते हैं और फिर उनका खून सिर्फ हिंदुस्तानी का खून रहता है, ना कि किसी अन्य जात और पात का। आभार, मिलते हैं अगले पाठ में।